हेलो फ्रेंड, शॉर्टहैंड गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो डिक्टेशन है ये 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय के लिए बजट की विशेष व्यवस्था की है, उसी तरह से युद्ध स्तर पर किसान और जल संसाधन के लिए बजट की व्यवस्था आप करें और हम लोग निश्चित रूप से आपकी मांग को पूरा करेंगे। चूंकि यह गांव का पैसा है, गांव पर खर्च होना चाहिए, शहर पर नहीं होना चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं, दूसरे उत्तरी बिहार की क्या विडंबना है, क्या रोना है। वहां आप देखेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 100-100 करोड़ रुपए राहत के नाम पर खर्च करती है। अगर भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस पानी को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करे, डैम बनाने का कार्य करे, उससे सिंचाई का कार्य करे, तो उत्तरी बिहार बिजली की पैदाइश करेगा और ऐसा करके उसकी बिजली पैदाइश से पूरे हिंदुस्तान में रोशनी की जगमगाहट को हम पैदा कर सकते हैं। सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 10,000 रुपए तक का ऋण जमींदारों को भी दिया गया, जिसे अब माफ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जानकारी गलत है। 10,000 रुपए तक का ऋण छोटे किसानों, मजदूरों और छोटा कारोबार करने वालों का है, जिसे सरकार ने माफ करने का फैसला लिया है। ऐसा लगता है कि मेरे साथी मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 10,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का जो निर्णय लिया है, उसमें अनेक जमींदार लोग भी आ गए हैं। अब प्रश्न है कि खेती कौन लोग करते हैं, उसमें छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं और खेतिहर मजदूर भी हैं। आपने इसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है जो इसके पात्र नहीं हैं। इस हरित क्रांति को खत्म करने की बात की जा रही है। अच्छा यह होता कि सरकार स्पष्ट तौर से कहती कि 10,000 रुपए तक ऋण उन लोगों के ही माफ होंगे जो छोटे किसान हैं और खेतिहर मजदूर हैं, हरिजन आदिवासी हैं, उनके लिए ही प्रावधान किया जाता। तो दबे हुए कुचले लोग हैं तो बात समझ में आती, उनके लिए प्रावधान किया जाता जो गांवों में आपके जमींदारों की बेगार करते हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और मेरे अतिरिक्त वहां अन्य कई माननीय सदस्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। हमारे यहां पहाड़ों पर सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि खेती के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती। पहाड़ों पर खेती उस वक्त तक अच्छी नहीं होगी तब तक हम सिंचाई का इंतजाम न कर लें। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि वहां पर सिंचाई का इंतजाम किया जाए। सभापति महोदया, यो तो हमारे वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने
खोज करके देश में उत्पादन बढ़ाया है। उनके कारण देश में हरित क्रांति आई है, बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वे बड़े बड़े काम से वंचित हैं, अतः वहाँ फलदार वृक्ष लगाकर ही खेती कर सकते हैं। बहुत सी जमीन है जो सरकारी है और जंगलों में उजड़ी पड़ी हुई है, और वह गांव के साथ साथ लगती है।